हेलो पार्सिस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है अप्रैल के सेकंड वीक की, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर पार्सिस। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल। आई थिंक पाइसिस, कोई बहुत ज्यादा आपके बारे में जानना चाहता है, कोई डेस्परेट हो रहा है आपके थॉट्स जानने के लिए। हो सकता है आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है इस समय आपके और उनके बीच बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, या आप बहुत ज्यादा उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, और जो बातें आप कर भी रहे हैं उस पर उन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है। समहाउ उन्हें लग रहा है कि आप उनका दिल बहलाने के लिए कोई बातें कह रहे हैं, या उनको धोखा दे रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा रेस्टलेस है। आप ये कार्ड देखिए, सेवन ऑफ सॉर्ड्स का, ये बच्ची यहां से जा रही है और यहां से कोई देख रहा है कि ये कहां जा रही है, क्या कर रही है, एंड एक्चुअली में इसके इंटेंशंस क्या है। इसी तरीके से आई थिंक कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा हो सकता है, ये पर्सन आपको म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू स्टॉक कर रहा हो सकता है। और अगर आप देखें यहां पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप ओपन अप ही नहीं हो रहे हैं, आप एक नट की तरह हो गए हैं। जैसे एक टॉर्टोइस अपने शेल में अंदर चला जाता है और फिर उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस समय टॉर्टोइस की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वो आपको ओपन करके देखना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, ओके। एंड इसके लिए वो तरह तरह की हरकतें कर सकते हैं। ये स्वॉर्ड देख रहे हैं आप, आपको इरिटेट कर सकते हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इमोशनली, ताकि आप कुछ बोले। मेरे ख्याल से आप साइलेंट हैं और ये चीज आपके पार्टनर को पूरी तरह से तंग कर रही है। अब अगर आप यहां एट ऑफ कप्स देखें, ये पर्सन ना सिर्फ आपको देख रहा है बल्कि सोच भी बहुत कुछ रहा है। इनके मन में आ रहा है कि ये आपसे कई सारे सवाल पूछें, कई सारे जवाब इन्हें चाहिए। इसके अलावा ये पर्सन अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी निकालना चाहता है, अपनी भड़ास निकालना चाहता है। कहीं ना कहीं जो ये देख रहे हैं वो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक यहां सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की तरह इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत शांति में हैं, आप अपने ड्रीम्स में खोए हुए हैं, आपको उनकी परवाह नहीं है, आप अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं और बहुत आराम से अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस समय आपने उनको परेशानी में छोड़कर आगे बढ़ना प्रेफर किया है। चारों तरफ यहां पे परेशानियां हैं, लेकिन आप अपने आप अपनी मस्ती में हैं और आप अपने सपनों में खोए हुए हैं, सपनों को पूरा करने के लिए आगे जा रहे हैं। तो ये चीजें इस पर्सन को इरिटेट कर रही है और उन्हें लगता है कि आपको कोई परवाह नहीं है। या फिर हो सकता है कि आप दूसरे लोगों से किस तरह से मिल रहे हैं, दूसरे लोग आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, ये भी चीज उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, ओके। फिर यहां पे कार्ड है द फूल का। द फूल के कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आपका जो मन करे वो करिए, आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपने ओपिनियन दे, अपनी एडवाइसेस दे और आपको रोकने की कोशिश करे, आपको एक तरीके से अपने बारे में बुरा फील करवाने की कोशिश करे। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप गिल्टी फील करें पाइसिस, और हो सकता है कि आपको कुछ ब्लेम्स झेलने को मिले इनकी तरफ से।
बट टैरो आपको कह रहा है कि आपको अपने पाथ को फॉलो करना चाहिए, और द फूल के साथ आपके अंदर बहुत एनर्जी है चेंजेस लाने की, एडवेंचर करने की और हर सिचुएशन में खुद को संभालने की. ओके यहाँ पे स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड्स है, तो बहुत सारी एयर एनर्जी है. हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स. सो हमारे पास यहां थ्री ऑफ कप्स है. आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं. आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत आराम से किसी सिचुएशन में निकले. आप किसी बीच पर जा रहे हैं और यहां मस्ती कर रहे हैं. आप देखिए करते ये मरमेड्स हैं और ये खेल रही हैं आपस में. तो मे बी आप अपने दोस्तों के साथ हैं या उन लोगों के साथ हैं जिनको आपकी परवाह है, अच्छा समय बिता रहे हैं, आप चिल हैं इस समय. और आई थिंक ज्यादा कोई परेशानी नहीं है आपके लाइफ में इस वक्त. तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि परेशानी क्यों नहीं है. फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बहुत सैड है. उन्हें लगता है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया होगा डेफिनेटली, तभी आप उसमें उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने खुद थर्ड पार्टी की वजह से आपको अपसेट किया हो एंड आपने खुद इस सिचुएशन में से निकलने का सोचा हो, तो भी इस पर्सन को प्रॉब्लम है. इस पर्सन को दुख हो रहा है देख के कि कहीं ना कहीं पाइसेस ने अपने ऊपर कंट्रोल पाना सीख लिया है एंड पाइसेस को अब उनकी कोई परवाह नहीं है एंड पाइसेस पूरी तरह से आप एंजॉय करना सीख गए हैं अपने जीवन को. और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है. एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी ड्रीम्स जो है वो रियलिटी में बदलेंगे. आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है, आपके पास लक है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है एंड इस समय स्पेशली पाइसेस पर नजर है प्रोटेक्टर की यानी यूनिवर्स की. एंड वो देख रहे हैं कि आप बहुत कुछ झेल चुके हैं ऑलरेडी और आप डिजर्व करते हैं हैप्पीनेस, वो आपको मिल रही है एंड शायद आप उस हैप्पीनेस को फील भी कर पा रहे हैं. यह नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन डेफिनेटली आपकी अटेंशन को खींचने की कोशिश करेगा. ये अपनी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता है. इसके लिए बहुत तरीके के टैंट्रम्स कर सकते हैं एंड इसके अलावा ये पर्सन एक प्लेयर की तरह है जो आता है जाता है आपके जीवन से, फिर आप के पास वापस सॉरी बोलना गलती कर करके, और ये चीज आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही हो सकती है. यहाँ बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं. इन 10 कार्ड्स में से 4 पर स्वॉर्ड्स है. डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई एयर साइन हो सकता है. यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन आपको कुछ कह सकता है अगर आप इन्हें अप्रोच करते हैं या अगर आप इनसे बात करते हैं. तो हो सकता है ये पर्सन पलट कर आपसे पूछे कि आपको मेरी परवाह नहीं है, आप मेरे बिना भी इतने खुश नजर आते हो, आपने इतना सारा टाइम दूसरों के साथ स्पेंड किया है, मेरी कोई परवाह नहीं है कि मैं किस कंडीशन में हूं और कितना दुखी हूं या कितना खुश हूं. आपको सेल्फिश फील कराने की कोशिश, आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश. ओके तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं. ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि आपके हिस्से में वो खुशियां हैं इस वक्त जो शायद उन्हें नहीं मिल पा रही. चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए.
स्टार सेट व्हाट लाइट्स यू अप, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके अंदर उम्मीद कौन जगाता है, आपके जीवन में रोशनी क्या चीज लेकर आती है, क्या अंधेरे को दूर करता है आपके जीवन से। तो यहां पर आप जानते हैं पाइसेस कि आपको क्या करना पसंद है, आपको करना पसंद है मस्ती। आप वैसे ही बहुत इमोशनल साइन है एंड कहीं ना कहीं आप जब मस्ती के मूड में होते हैं या जब आप फन करना चाहते हैं या जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप एक फन लविंग इंसान है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत हैप्पी है, तो इस समय शायद यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने टाइम को अपने लिए रखें और एंजॉय करें अपने लाइफ को। ओके, तो ये थी रीडिंग आपकी इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।